بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت سے بابا سے بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوي قصة مختصر بحمده تعالى حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تقریب میں ہماری حاضری ہے. اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ والوں کی یاد میں بیٹھنا رائے گا نہیں جاتا. سنیے محبوب کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی، فرمایا عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے نام آ جاتا ہے، اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ جگہ کتنی برکتوں والی ہوتی ہے کہ صالحین کے نام آ جانے سے اللہ اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے. اللہ والے کا نام آ جائے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ رحمتیں اتارتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑے اجتماع میں ذکر ہو تب رحمتیں اترتی ہیں، بڑی محفل سجائی جائے تب رحمتیں اترتی ہیں، بلکہ گھر کے اندر بھی، رشتہ داروں میں، اقربا میں انسان جب اللہ والے کا نام لے دیتا ہے اللہ اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے. عِندَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَتَنَزَّلُ الرَّحْمَةُ. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب صالحین کا نام آئے اللہ رحمتیں اتارتا ہے. ایمان والو، ایمان کی بات ہے، جب نام کے اندر اتنی برکتیں ہیں تو جس جگہ اللہ والے خود موجود ہوتے ہیں وہاں اللہ کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا. فقط نام آ جائے، جن کا نام اتنی دور سے برکتیں دیتا ہے ان کا وجود کتنی دور سے رحمتیں عطا کرے گا. اللہ والوں کی دو قسمیں ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے.
वयहदी इलैही मन युनीब, और उसे भी हदायत देता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। हदीस कुदसी है, फरमाए ला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैय बिन नवाफिल, बंदा मुसलसल नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है। फराइज की अदायगी के बाद वो नवाफिल पढ़ता है और पढ़ता ही चला जाता है, उसमें इनकिता नहीं है बल्कि लगातार नमाज पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है। इस नवाफिल से उसे अल्लाह का कुर्ब मिलता है। फिर एक वक्त आता है, अल्लाह फरमाता हत्ता अहबबतुहु, यहाँ तक कि मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। ईमान वाले जरा सोचिए, ये अल्लाह वाले जमीन पर होते हैं, पूरी कायनात का खालिक भी इनसे प्यार कर रहा होता है, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह इनसे प्यार करता है। एक औरत तहज्जुद के लिए बेदार हुई, उसने नवाफिल पढ़े, हाथों को उठाया, दुआ मांगती है, या अल्लाह उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मेरे साथ है, मेरी दुआ कबूल कर ले। उसका खामद लेटा हुआ था, आंख खुल गई, उसने कहा मैंने सुना था इबादत बंदे को मगरूर बना देती है, अब मुझे यकीन हो गया, तूने चंद दिन तहज्जुद के नवाफिल अदा किए हैं, तेरे अंदर तकब्बुर आ गया, गुरूर आ गया। उसने कहा मैंने क्या तकब्बुर किया है? कहने लगा तूने इतना बड़ा दावा कर दिया, या अल्लाह उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मेरे साथ है, तुझे क्या पता तेरा अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता? अगर तूने दुआ मांगनी है तो यूं दुआ कर, या अल्लाह उस मोहब्बत का वास्ता जो मुझे तेरे साथ है, तूने इतना बड़ा दावा कर दिया, या अल्लाह उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मेरे साथ है, ये तकब्बुर नहीं तोर क्या है? उसने मुस्कुरा के जवाब दिया, मुझे पता है मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे यकीन है मेरा रब मुझसे प्यार करता है। उसने कहा तुझे कैसे पता चला? उसने कहा अगर मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत न करता, मैं तेरी तरह चारपाई पे सो रही होती, ये अल्लाह की मोहब्बत है, उसने बिस्तर से खड़ा करके मुझे मुसल्ले पे ला खड़ा कर दिया है, मैं जो उसकी इबादत कर रही हूँ, उसकी बारगाह में जबी को खम कर रही हूँ, तहज्जुद के वक्त में सजदा कर रही हूँ, ये ऐसे ही नहीं हो रहा, ये दलील इस बात की है कि मेरा रब मुझसे मोहब्बत फरमा रहा है। तो एक वक्त आता है अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है, वो कुर्ब की ओर मनाजिल तय करता है। अल्लाह फिर जिब्रील को बुलाता है, जिब्रील हाजिर हुए, मौला क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाते फुला बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत शुरू कर दे। फरिश्तों का सरदार जिब्रील भी उससे मोहब्बत करता है। फिर और वक्त गुजरता है, अल्लाह फिर जिब्रील को बुलाता है, जिब्रील करता है अर्ज करता है अल्लाह अब क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाते आसमानों पर चले जाओ, निदा दे दो, आवाज दे दो, ए नूरी मखलूक, ए आसमान के फरिश्तों, सारे के सारे उससे मोहब्बत करो। हजरत इंसान हमने कभी सोचा ही नहीं है, अपनी किस्मत पे नाज कीजिए, जो बंदा अल्लाह को याद करता है, अल्लाह की इबादत करता है, आमाले साले करता है, जिक्र करता है, तस्बीह करता है, कुरान की तिलावत करता है, वो रहता तो जमीन पर है लेकिन आसमान का खालिक उससे प्यार कर रहा होता है, वो रहता जमीन पर है, जिब्रील उससे मोहब्बत करता है, वो रहता जमीन पर है, आसमान के सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। फिर और वक्त गुजरता है, जिब्रील को फिर बुलाया जाता है, जिब्रील अर्ज करते हैं या अल्लाह अब क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाते जमीन पर चले जाओ, निदा दे दो, आवाज दे दो, सदा दे दो, ऐ दुनिया वालों तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्रील अर्ज करते हैं मौला मैं चला जाता हूँ, मैं आवाज दे देता हूँ, मैं लोगों से देता हूँ, एक तन्हा जिब्रील है, मेरी आवाज कहाँ कहाँ तक जाएगी? अल्लाह फरमाता है जिब्रील तेरा काम आवाज देना है, तेरी आवाज को पहुंचा देना हमारा काम है, जाओ जाके सदा दे दो, आवाज दे दो। जिब्रील आए, आवाज दे के चले गए, जिब्रील
जिब्रील आए सदा दे के चले गए, जिब्रील आए पुकार करके चले गए, निदा दे के चले गए। हदीस मुबारका है, सही बुखारी की हदीस है, सुम्मा युदउ लहुल कबूल फिल अर्द, फिर उस नेक बंदे की कबूलियत जमीन में रख दी जाती है। वो अल्लाह का वली सैकड़ों बरस हो गए दुनिया से चला जाता है, वो अल्लाह वाला मशरिक में होता है, मगरिब में रहने वाले उससे मोहब्बत करते हैं, वो शुमाल में होता है, जुनूब में रहने वाले उससे मोहब्बत करते हैं, हमने उसे देखा नहीं होता, अल्लाह वाले का फकत नाम सुना होता है। आज लोग हुजूर से कितना गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, मीरा मुहियुद्दीन से मोहब्बत करते हैं, दाता अली हुजवेरी से मोहब्बत करते हैं, आज लोग हजरत बाबा फरीदुद्दीन से मोहब्बत करते हैं। याद रखिए ईमान वालों, ईमान की बात है, अगर किसी अल्लाह वाले से प्यार हो जाए ये जाती कमाल नहीं होता। सुम्मा युदउ लहुल कबूल फिल अर्द, उस नेक बंदे की कबूलियत जमीन में रख दी जाती है। अल्लाह वाले से प्यार हो जाए, अपनी किस्मत पे नाज करो, ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह अपने नेक बंदों की दिलों में डाल दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह मोहम्मद यार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अल्लाह वाले कहीं भी होते हैं उनका वजूद रहमतें अता किया करता है। अल्लाह वालों से प्यार रायगा नहीं जाता। सुनिए हदीस मुबारका, बनी इसराइल का जमाना है, एक आदमी घर से निकलता है, फरिश्ता इंसानी शक्ल में उसके रस्ते में आ जाता है। कहां जा रहा है? उसने कहा फुला इलाका में, फुला बस्ती में एक अल्लाह का नेक बंदा रहता है, मैं उससे मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। फरिश्ता पूछता है क्या तेरी उसके साथ कोई रिश्तेदारी है? उसने कहा कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई कराबतदारी है? कोई कराबतदारी नहीं है, कोई कारोबारी लेन देन है? उसने कहा कोई कारोबारी मुआमला नहीं है, कोई कर्ज का मुआमला हो? उसने कहा कोई ऐसी बात नहीं। फरिश्ता उससे पूछता है फिर वजह क्या है? तूने अपने कारोबार को छोड़ा है, कसब को तरक किया है, तूने रिश्तेदारों को छोड़ा है, एक लंबा सफर करके रुपया पैसा लगा के तू उसकी तरफ जा रहा है, वजह क्या है? उसने कहा फकत एक वजह है, वो अल्लाह का नेक बंदा है, वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का प्यारा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, बस उसी मोहब्बत का ताज़ा है, मैं उसकी जियारत के लिए जा रहा हूँ, मैं उसके दीदार के लिए जा रहा हूँ, मैं उसके पास बैठना चाहता हूँ, मैं उसका कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ। फरिश्ता कहता है फिर सुन ले, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, तेरे लिए पैगाम लेकर आया हूँ, अगर तू अल्लाह के नेक बंदे से मोहब्बत करता है सुन ले, मेरा अल्लाह तुझसे मोहब्बत फरमाता। तू अल्लाह वाले से मोहब्बत करता है, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है, कोई अल्लाह के नेक बंदे से मोहब्बत करे तो सही, ये मोहब्बत रायगा नहीं है, अल्लाह भी उस बंदे से मोहब्बत करता है जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है। आइए हदीस मुबारका सुनिए, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह वालों की शान जुदा गाना होगी, अल्लाह वालों का मकाम मर्तबा कितना बुलंद बाला होगा। एक गुनाहगार आदमी आएगा, एक अल्लाह वाले के दामन को पकड़ के कहेगा या हजरत आपने मुझे पहचाना नहीं है, वो कहेगा तू कौन है? अमा तारीफुनी अन लदी सकैतु का शर बता, कहेगा हजरत दुनिया में एक मर्तबा आपको प्यास लगी थी, मैंने पानी का प्याला लिया, आपको पानी पिला दिया था, बस मेरा यही तारुफ है। आएगा अल्लाह वाले के दामन को पकड़ के कहेगा अमा तारीफुनी, हजरत आपने मुझे पहचाना नहीं है, अल्लाह वाला नजर डालेगा, पूछेगा तू कौन है? कहेगा अनल लजी वहब्तु लका वुजूहा, मैंने एक मर्तबा आपको वुजू करवा दिया था। अल्लाह वाला कहेगा महशर का मैदान है, तुम चाहते क्यों है? वो कहेंगे अल्लाह के नेक बंदे तुम्हारा मकाम बड़ा है, मर्तबा बड़ा है, अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए शफात कर दीजिए। हदीस मुबारका के अल्फाज है, वो अल्लाह वाला रब के हाथों को उठाकर दुआ मांगेगा, फयशफाउ लहु फयदखिलुहुल जन्ना, या अल्लाह ये मुझसे प्यार करने वाले हैं, इनकी इनके लिए मैं शफाअत कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह अपने नेक बंदे की शफाअत कबूल करेगा और उन्हें भी जन्नत अता फरमाएगा। फयशफाउ लहु फयदखिलुहुल जन्ना, शफाअत कबूल होगी, अल्लाह उन्हें भी जन्नत अता कर देता है। जो अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होते हैं, दुनिया में भी फायदा है, कब्र में भी फायदा है, हश्र के अंदर भी फायदा है। ईमान वाले, ईमान की बात है, कोई अल्लाह वाले को दुनिया में एक मर्तबा पानी पिला दे, वो दुनिया
दुनिया की मोहब्बत खत्म नहीं होने वाली। एक मर्तबा वुजू करवा दे वो मोहब्बत खत्म होने वाली नहीं। फिर याद कीजिए, अगर कोई अल्लाह वालों के दामन से हमेशा के लिए वाबस्ता हो जाता है, जो हर साल उन्हें याद करता है, उनका तज़किरा करता है, उनकी याद में बैठता है, बिलाशुबा फिर ये मोहब्बत दुनिया में भी काम आने वाली है, महशर में भी काम आने वाली है। अल्लाह वालों से प्यार कीजिए, अल्लाह अल्लाह किए जाने से तो अल्लाह ना मिले। अल्लाह वालों से मोहब्बत का फायदा क्या होता है, अल्लाह अल्लाह किए जाने से तो अल्लाह ना मिले। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और फिर ये याद रखिए, अल्लाह वाले बड़े लजपाल होते हैं। लजपाल के साथ जब कोई प्रीत लगा लेता है, दोस्ती करता है, फिर वो नामुराद नहीं रहता। ये लजपाल होते हैं, लजपाल प्रीत नु तोड़ देनी। अल्लाह के नेक बंदे लजपाल हैं, लजपाल प्रीत नु तोड़ देनी, जिदी बां फड़ दे मुड़ छोड़। लजपाल परीत नु तोड़ देनी, जिदी बां फड़ दे मुड़ छोड़ देनी। अल्लाह वालों से अपना ताल्लुक कायम कीजिए, निस्बत कायम कीजिए, उनकी तालीमात पर अमल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने नेक बंदों से वालिहाना मोहब्बतें अता फरमाए और उनकी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अली।